एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट का रिव्यू, एंड दैट इज़ दिस इज़ लायन ब्यूटी यूएसए रॉक एंड रोल 35 कलर्स आई शेडो पैलेट। एंड इसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इन वन ऑफ माई अमेजोन हॉल। सो इसको मैंने लिया था फ्रॉम अमेजोन। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। ब्यूटीफुल एंड शाइनी है इसका पैकेजिंग, ब्लिंगी पैकेजिंग है, एंड इट लुक्स सो प्रिटी एंड क्लासी। मुझे इसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइस के अकॉर्डिंग पैकेजिंग इज़ वेरी गुड। इसके ऊपर एक शीट आया था जो कि मैंने रिमूव कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो पैलेट को अभी यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाहर भी आप देख सकते हैं एक इस तरीके का प्लास्टिक आउटर कवरिंग आता है, तो मैं इसको भी रिमूव कर लेती हूँ। दिस इज सो प्रिटी गाइस, सो प्रिटी। एंड इसके पीछे सारा कुछ मेंशन्ड हुआ आता है। सो गाइस, ये जो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ब्लिंगी है, इस वजह से यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इट्स वेरी हार्ड टू रीड। स्टिल देन आई एम ट्राइंग टू शो यू, आई होप यू कैन सी। सो इंग्रेडिएंट्स में कहीं पे पैराबेन मेंशन नहीं है, सो दिस इज़ अ पैराबेन फ्री प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो दिस इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, दिस इज़ मेड इन PRC। एंड मैन्युफैक्चर डेट है 1/2020, एक्सपायरी इज 1/2024। दैट मीन्स वी आर गेटिंग 4 years ऑफ सेल्फ लाइफ टू यूज़ दिस आई शैडो पैलेट। एंड इसका जो प्राइस इधर मेंशन्ड है नीचे, दैट इज़ 499। मेरा जो पैलेट है दैट इज़ 02, यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। कुछ भी मिरर एंड एप्लीकेटर इस पैलेट में हमको नहीं मिलता है। एंड दिस इज़ बेसिकली कार्डबोर्ड काइंड ऑफ पैकेजिंग एंड मैग्नेटिक सॉर्ट ऑफ क्लोजर, यू कैन सी। पैलेट आप देख सकते हैं इसका सारा सेट्स, ये मुझे थोड़ा डैमेज भी रिसीव हुआ था। सो ये वाला सेट आप देख सकते हैं, दिस वन दिस सेट एंड दिस सेट, ये चारों सेट मुझे टोटली ब्रोकन रिसीव हुए थे। एंड आप ये भी देख सकते हैं, ये जो दोनों सेट्स भी थोड़ा लिटिल बिट डैमेज है। सो यहाँ से ट्राई टू फिक्स इट, एंड अच्छे से फिक्स भी हो गया है आप देख सकते हैं। एंड अभी मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल सेट्स इन दिस पैलेट, एंड पर्टिकुलरली इस पैलेट में आपको सारे ही सैटिन एंड मेटेलिक सेट्स मिल जाएंगे। ओनली वन सेट इज़ मैट, दैट इज़ दिस वन। पैलेट का पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होते हैं। तो मैं आपको स्वाच करके दिखा देती हूँ कुछ सेट्स। दे आर वेरी क्रीमी एंड बटरी गाइस, आप देख सकते हैं द शाइनीनेस, द पिगमेंटेशन। ये जो तीनों फर्स्ट थ्री रोज आप देख रहे हो, 1, 2, 3, सो इन तीनों रोज को मैंने स्वाच कर लिया है। एंड आप देख सकते हैं मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन लिटरली सी द पिगमेंटेशन ऑफ दिस पैलेट गाइस, कितना अच्छा मेटालिक लुक ये देते हैं। एंड दिस पिंक सेट्स आर सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल। एंड इवन ये जो पैलेट को आप यूज़ कर सकते हैं टू हाईलाइट योर फेस एज वेल, क्योंकि बहुत ही अच्छा हाईलाइटिंग सेट्स आपको मिल जाते हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन। बहुत ही अच्छे हाईलाइटिंग सेट्स हैं गाइज, इट विल लुक bomb.com गाइज ऑन फेस। एंड यू कैन सी दिस सेट्स, ओ माई गॉड गाइज, सो गॉर्जियस, सो गॉर्जियस। सो गाइज, आपने देखा मैंने आपके सामने ही इसको स्वाच किया है, नीचे का दोनों रोज को मैंने स्वाच कर लिया है। पैलेट इज़ ऑसम गाइज, एंड ये जो दोनों सेट्स भी आप देख सकते हैं नीचे का, दो जो डार्कर सेट्स दे लुक ब्यूटीफुल। एंड दिस सेट हैज़ गॉट अ डियोक्रोमैटिक इफेक्ट, आप देख सकते हैं थोड़ा डियोक्रोमैटिक काइंड ऑफ सेट है। एक साइड में थोड़ा ग्रीन लगता है एंड एक साइड में थोड़ा ब्राउनिश लगता है, थोड़ा कॉपरी लगता है। You can see my base makeup is done, even I have also applied a lipstick, but I have not done my eye makeup. So अभी मैं करने वाली हूँ eye makeup. This is a matte set, so इसको मैं use करने वाली हूँ as my transition set. And we also don't have any option guys, so definitely I'm going to use this set only. So I'm using this brush from Start Makers. So मुझे बहुत सारा comments आता है regarding brushes and all guys. So you can definitely purchase this Start Makers brushes guys. And इस set में आपको 12 brushes मिलेंगे and बहुत अच्छा set है, आप इसको ज़रूर खरीद सकते हैं। So I'm also going to take the same set to my lower lash line like this. Next I'm going to pick a very beautiful bronzy kind of shade, and you can see ये जो पैलेट में ये जो पर्टिकुलर शेड है गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से पिक हो रहा है यूजिंग एनी फ्लैट शेडर ब्रश। सो ये भी एक फ्लैट शेडर ब्रश ही है और बहुत ही अच्छे से पिक हो रहा है। तो
आज ये वाला सेट तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट टू द आउटर वी ऑफ माई आई मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला जो ब्लू सेट है, आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल मेटेलिक काइंड ऑफ सेट एंड ये मेरे ड्रेस के कलर के साथ एक्चुअली थोड़ा सा मैच हो रहा है। सो इस वजह से आई एम गोइंग टू टेक दिस सेट एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन द आउटर वी ऑफ माई आई एंड मैं सेम ब्रश का और एक साइड ले रही हूँ एंड इससे इसको अप्लाई करूँगी। दोनों सेट्स को डिफ्यूज करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस सेट, दिस लाइट ब्लू सेट एंड इसको मैं सेंटर में अप्लाई करूंगी इन दोनों सेट को ब्लेंड करने के लिए। एंड इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज अ ब्रश लाइक दिस। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश काइंड ऑफ है। सो गाइस नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ब्लेंड माई क्रीज लाइन वंस अगेन सो दैट सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड एक बहुत अच्छा लुक मिले। सो आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट लाइक दिस। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आईलाइनर। दिस इज NY बेस शक्ति आईलाइनर इन द शेड जैज 3। ये जो पर्टिकुलर आईलाइनर है दिस इज ग्रीन गाइस, बट ये बहुत ही मतलब थोड़ा ब्लैकिश काइंड ऑफ ग्रीन है। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ आज एंड आई लव दिस शेड सो मच गाइस। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस काजल। दिस इज पर्पल विंकिंग टुगेदर काजल इन द सेट कॉपर एंड इसको मैं अप्लाई कर लूंगी मेरे लोअर लैश लाइन में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू माई आईब्रोज एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। सो फॉर आईब्रोज माई फेवरेट प्रोडक्ट, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ एंड इस आईशैडो पैलेट में भी कुछ ऐसा ब्लैक कलर नहीं है सो इसको मैं यूज़ करूंगी। दिस इज हिलारी रोडा आईब्रो ड्रॉइंग इन द सेट 03। ये जो पैलेट में ये दोनों सेट्स ही मैं यूज़ करती हूँ, ये ग्रे एंड दिस ब्राउन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ एसेंस द फॉल्स लैसेस मस्कारा एंड ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट मस्कारा है गाइस। मैंने आपको बहुत ही बार बोला है बहुत ही अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी। ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी। गाइस ऑनेस्टली मुझे आई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है। आई रियली लाइक इट सो मच एंड बहुत ही ईजी भी है, आप इस तरीके का लुक बहुत ही जल्दी भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको पहले इसका कॉन बोल देती हूँ। कॉन जो मुझे लगा दैट इज़ इसमें आपको बिल्कुल भी मैट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही मैट शेड है दैट इज़ दिस वन। सो इनकेस यू वॉन्ट अ पैलेट जिसमें कि आपको ट्रांजिशन सेट्स भी मिले, इन दैट केस दिस इज़ नॉट अ पैलेट क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मैट शेड है। एंड सेकेंड जो मुझे कॉन लगा दैट इज़ बहुत ही सारे सेट्स इसमें रिपीटेटिव हैं, आपको बहुत ही सारे डिफरेंट सेट्स मिलेंगे। आप गोल्ड एंड ब्रॉन्ज कॉपर इस टाइप का सेट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इस पैलेट में। सो ज़्यादा सेट का वेराइटी इस पैलेट में नहीं है। एंड थर्ड जो मुझे लगता है गाइज दैट इज़ इसमें जो सेट्स हैं गाइज देर बहुत ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट काइंड ऑफ सेट्स हैं। सो ये जो पैलेट है ये बहुत ही ईजिली डैमेज हो जाता है गाइज। तो आपको ये पर्टिकुलर पैलेट को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा नहीं तो ये टोटली ब्रेक हो जाएगा। कमिंग टू द प्रोज गाइज, जो मुझे सबसे अच्छा इस पैलेट के बारे में लगता है गाइज, इसका प्राइस पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम है। ₹375 में आपको 35 कलर्स मिल रहा है गाइज, और क्या चाहिए, मतलब इतने सारे सेट्स फॉर दिस प्राइस पॉइंट बहुत ही अच्छी बात है। सो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप बिगिनर हैं, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आप ये वाला पैलेट ले सकते हैं। एंड जो सेकेंड लगता है दैट इज इसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा हाई एंड फील देता है, बहुत ही लग्जूरियस एंड ब्यूटीफुल ब्लिंगी काइंड ऑफ इसका पैकेजिंग है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक प्रो जो मुझे लगता है गाइज दैट इज इसमें जो इतने सारे मेटेलिक सेट्स हैं, बहुत ही अच्छा इनका पिगमेंटेशन है, बहुत अच्छा कलर पे ऑफ है, बहुत ही ब्यूटीफुल साइनी एंड मेटेलिक लुक देते हैं ऑन आइज। एंड पर्टिकुलर फॉर इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक ये पर्टिकुलर पैलेट बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको बहुत ही डिफरेंट टोन्स ऑफ कॉपर ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मिल जाएगा इस पैलेट में, जो कि इंडियन स्किन टोन्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब वार्म स्किन टोन्स के ऊपर ये वाले जो सेट्स बहुत ही खिल के आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
सो इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक्स एंड ब्राइडल मेकअप लुक्स के लिए भी आप ये पैलेट को यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑली आई जस्ट लव दिस पैलेट सो मच एंड मैं भी आपको रिकमेंड करती हूँ, आप इसको ज़रूर खरीद सकते हैं एंड इसका बाइंग लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इनकेस यू वॉन्ट टू बाय यू कैन डेफिनेटली चेकआउट। So guys, I hope you really enjoyed watching this eye makeup look and the review of this palette as well. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, don't forget to like this video and also subscribe to my channel to enjoy more such videos. And आप मुझे Instagram में भी follow कर सकते हैं, मेरा Insta handle है glam_your_look. Once again, I'll be back with another video for you all. Till then, bye, take care, love you all.